हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और टीएमसी जो पार्टी है उसको पूर्ण बहुमत मिल भी चुका है। लेकिन इसमें समस्या क्या रही है कि ममता बनर्जी अपनी सीट नंदीग्राम से हार गई हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ममता बनर्जी अब बंगाल में मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी, बनेंगी तो किस तरीके से बन सकती हैं, क्या उसके मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या उसमें चाहिए होता है। तो उस सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं, जो बंगाल में कल इसका चुनाव का जो रिजल्ट आया है, टोटल अगर बंगाल की सीटों की मैं बात करूं तो 294 बंगाल में टोटल सीट्स हैं। इसके अलावा जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, इसको जो सीटें मिली हैं वो 213 सीटें जो हैं टीएमसी पार्टी को मिली हैं। इसी के साथ ही साथ बीजेपी को जो हैं 77 सीट्स यहाँ पर मिली हैं। टीएमसी के बारे में मैं बताऊं, टीएमसी की जो सरकार है इसको तीसरी बार पूर्ण बहुमत मिला है। ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आई हैं, टीएमसी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपनी सीट खुद ही हार गई हैं। तो ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी जो हैं, ये पहले टीएमसी के ही नेता थे जो शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन टीएमसी के बाद ये भाजपा में शामिल हुए और भाजपा में जो है भाजपा ने इनको जो है ममता बनर्जी के अगेंस्ट इनको टिकट दिया और शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में जीत जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अब यह है कि ममता बनर्जी का क्या होगा। मतलब उनकी पार्टी तो जीत गई वहाँ पर, टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिल गया, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगी, यहाँ ये सवाल काफ़ी ज़्यादा जो है हर जगह इसको सर्च किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरीके से बन सकती हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए अभी अगर ममता बनर्जी चाहती हैं, राज्यपाल अगर इनको राज्यपाल सरकार बनाने के लिए इनको बुलाएंगे तो ये जो है मुख्यमंत्री की शपथ ले सकती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 6 माह के अंदर इनको किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। या तो आप विधानसभा के सदस्य हो जाइए या आप जो है विधान परिषद के सदस्य हो जाइए। तो बंगाल में जो है विधान परिषद है ही नहीं, तो बंगाल में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। यहाँ आप देख लीजिएगा, बंगाल में केवल विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है विधान परिषद बंगाल में नहीं है। तो बंगाल की जो विधान परिषद है, विधानसभा है, यहाँ पर 294 तो सीटें थी टोटल। अभी जो चुनाव हुआ है वो 292 सीटों पर हुआ, 2 सीटें जो है यहाँ पर खाली रह गई थी। तो अब जो है इसमें से 294 में से 213 सीटें जो है वो टीएमसी जीत गई है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट हार चुकी हैं। तो ये जो शपथ ले सकती हैं मुख्यमंत्री पद की, तो इसके 6 माह के भीतर इनको जो है किसी न किसी सदस्य की सदस्यता लेना आवश्यक हो जाएगा। अगर मान लीजिए 6 माह के अंदर ये विधानसभा की सदस्यता ले लेती हैं, तब तो ये मुख्यमंत्री पद पर रह सकती हैं। और यदि वो 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्य नहीं हो पाती हैं, तो ये जो इनका मुख्यमंत्री पद होगा इनसे खुद ही स्वतः हट जाएंगे। तो ये जो है भारतीय संविधान हमारा कहता है कि आप कोई भी, अगर आप कहीं से भी नहीं जीते हैं फिर भी आप सदस्य शपथ ले सकते हैं, लेकिन आपको 6 माह के भीतर, 6 माह का समय दिया जाता है कि आप 6 महीने के भीतर जो है किसी न किसी सदन के सदस्य होना चाहिए। तो ये जो है अभी किसी भी सदन की सदस्य नहीं है, लेकिन बिहार में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं है क्योंकि विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद पहले जब भारत है तो भारत में 7 राज्यों में था। तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन से 7 राज्य हैं, यूपी बिहार आप याद रखिएगा, उसी के साथ ही साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक, और 1-2 राज्य और हैं हमारे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और इसी के साथ साथ एक जम्मू और कश्मीर। इस 7 राज्यों में पहले जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो जम्मू कश्मीर अब इससे हट चुका है क्योंकि इसको जो है 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बची है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही बची है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो जम्मू कश्मीर में तो विधान परिषद है अब तो उसमें राज्य नहीं बचा है वो। तो बंगाल में जो है, बंगाल में जो विधान परिषद है ही नहीं, तो ममता बनर्जी को जो है 213 जो सीटें उन्होंने जीती हैं, तो अब यहाँ पर 2 सीटें वैकेंट भी हैं, 2 सीटें खाली भी हैं। तो इनके पास एक ऑप्शन तो ये है कि जो 2 सीटें खाली हैं वहाँ पर ही दोबारा उपचुनाव करा लें, और भी ऑप्शन है कि इनको जो है 6 माह के अंदर इनको किसी न किसी सदन का, मतलब विधानसभा का सदस्य होना पड़ेगा। ये अभी शपथ तो ले सकती हैं लेकिन 6 माह के अंदर इनको अपनी सदस्यता दिखानी पड़ेगी किसी न किसी सदन में, तभी जो है अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकती हैं। तो जो बंगाल है, बंगाल आप देख सकते हैं
पूरा बंगाल जो है 294 सीटें का टोटल गलत था, यहाँ पे 292 सीटों पर जो है यहाँ पर चुनाव होता है। तो भाजपा जो है यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई क्योंकि 77 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और काफ़ी उन्होंने हवा भी बनाई थी कि मतलब बंगाल में ये होने वाला है वो होने वाला है, लेकिन ये जो है नहीं जीत पाए। ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो यहाँ पर प्रचंड बहुमत से आ गई है दोबारा। और ममता बनर्जी के बारे में बता दूँ आपको, ये तीसरी बार जो ये पार्टी है टीएमसी पार्टी है पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली है। तीसरी बार ये जो है बंगाल में सरकार इनकी बनने वाली है। तो 294 सीटें हैं, आप ये देख सकते हैं जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही हैं ये तो पश्चिम बंगाल टीएमसी की हैं, और जो आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रही है ये हमारा ये बीजेपी है, ये टीएमसी है, और जो दो सीटें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैकेंट हैं यानी कि खाली हैं। तो खाली सीटें हैं और तो अब यही है ममता बनर्जी किस तरीके से यहाँ पर जो है रह पाएंगी, तो इसके लिए ये शपथ तो ले सकती हैं लेकिन 6 महीने के अंदर जो है इनको विधानसभा या विधान परिषद तो वहाँ पर है नहीं, तो इनको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी तभी ये मुख्यमंत्री पद पर रह सकती हैं, अन्यथा ये मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगी। तो ये विधानसभा है वेस्ट बंगाल की, वो ये विधानसभा है, आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि ममता बनर्जी जो हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री बंगाल की बन सकती हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको इस बारे में बताया। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।